हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई वांट टू कंटिन्यू अवर सप्लीमेंट्री रीडिंग चैप्टर 3, द मिडनाइट विजिटर, रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर। सो लेट वी कंटिन्यू अवर चैप्टर। असेबल मूव टू एन आर्मचेयर एंड सेट डाउन हैवीली। असेबल एक आर्म चेयर के पास गया और दम से उस पर बैठ गया। हैवीली मतलब जोर से वो उसके पर बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेस एंड डेविल विथ द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बैट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली। मैं इस बार मैनेजमेंट के सामने हंगामा करने वाला हूँ और तुम इस पर शर्त लगा सकते हो। उसने बिल्कुल ग्रिमली मतलब गंभीरता, ग्रिमली मतलब उसने सीरियसली गंभीरता से कहा। दिस इज द सेकंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी। ये महीने के दौरान दूसरी बार है जब कोई मेरी उस विंडो से, वो बालकनी से मेरे कमरे में घुस आया है। दिस इज द सेकंड टाइम, ये दूसरी बार हुआ है ये महीने में। समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम मतलब कोई मेरी ए न्यूसेंस ऑफ बालकनी मतलब ये बालकनी के बकवास से मेरे घर में घुस आया है। फाउलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। फाउलर की नज़र कमरे की उस मात्र खिड़की की ओर गई। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। ये मात्र एक खिड़की थी जिसके सामने अब रात का गोर अंधेरा का छाया पड़ा था। प्रेसिंग ब्लैकली मतलब रात का अंधेरा का छाया था। बालकनी मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। बालकनी मैक्स ने ऊंची आवाज करते हुए कहा, नो पास की, नहीं एक मास्टर चाबी है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में कुछ पता नहीं था। इट माइट हैव सेव मी सम ट्रबल हैड आई नॉन। यदि मुझे उसका पता होता तो ये मेरी कुछ मुसीबत का काम कर देती, मेरी सॉरी मुसीबत को कम कर देती। इट्स नॉट माई बालकनी, पॉसिबल सेड विद द एक्सट्रीम इरिटेशन। पॉसिबल ने ज़्यादा चिड़चिड़ाहट के साथ बोला कि ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, वो तो अगले अपार्टमेंट वालों को जुड़ी हुई है। ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटरी एट अ फाउलर। एक्सप्लेनेटरीली मतलब विवरणपूर्वक, उसने फाउलर को विवरण पूर्वक दृष्टि डाली देखते हुए, बहुत छोटी नज़र से देखना उसको बोलते हैं। एक्सप्लेनेटरी मतलब विवरणात्मक दृष्टि डाली। यू सी ही सेड, दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम। तुमने देखा, उसने कहा कि तुमने देखा, ये जो रूम है उसकी एक बड़ा यूनिट का एक हिस्सा था और दूसरा कमरा वहाँ उस दरवाजे से बैठक हुआ करती, दूसरे दरवाजे से उसकी एक बैठक रूम हुआ करता था, लिविंग रूम। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड अंडर माय विंडो नाउ। उसकी बालकनी होती थी जो अब मेरी खिड़की तक आया हुई थी। उसकी बालकनी थी जो मेरे खिड़की तक आई हुई थी। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम टू डोर्स डाउन एंड समबडी डिड लास्ट मंथ। दो दरवाजा छोड़कर नीचे वाले कमरे से तुम इस पर चढ़ सकते हो और पिछले महीने कोई ऐसा कर भी चुका है। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ मतलब पिछले महीने, लास्ट मंथ किसी ने ऐसा कर भी चुका था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड यू ब्लॉक इट ऑफ। मैनेजमेंट ने उसको बंद करने का तो वचन किया था।
बट दे हैवन, लेकिन उन्हें बंद नहीं किया। मैक्स ग्लेंस एट द फ्लावर हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम असेबल एंड वेव द गन विथ अ कमांडिंग गेस्चर। मैक्स ने असेबल को कुछ दूर मजबूती से खड़े होकर फाउलर पर नजर डाली और एक कमांडेड मतलब आदेशपूर्ण इशारे के साथ उसकी जो पिस्तौल थी गन उसकी ओर घुमा दी। प्लीज सेट डाउन ही सेड, उसने बोला कि मेहरबानी करके बैठ जाइए। वी हैव वेट अब हाफ एन आवर आई थिंक, मुझे लगता है कि हमें आधा घंटा और वेट करना होगा। 31 मिनट, पॉसिबल सेड मुडली। पॉसिबल ने खुशी से कहा 31 मिनट। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30 और मिलने का टाइम 12:30 बजे का था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, काश मैं जानता कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। मैक्स द लिटल स्पाई लिमिटेड एविली, छोटा जासूस एविली मतलब क्या होता है, कुटिलता से मुस्कुराया। एविली मतलब वो कुटिलता से वो मुस्कुराया। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लोगों को रिपोर्ट किस प्रकार मिली। दैट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं उसे आज रात को वापस ले लूँगा। वॉट इज डैट मतलब ये वह क्या है। Who is at the door? मतलब वो दरवाजे पर कौन है। Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Fowler दरवाजे पर अचानक हुई knocking से उछल पड़ा। Possible just smiled. Possible ने एकदम मुस्कुराया। That will be the police, he said. उसने बोला कि वो शायद पुलिस होगी। I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. मैंने सोचा कि इतना important दस्तावेज है कि हम जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सुरक्षा तो होनी चाहिए। I told them to check on me, make sure everything was all right. मैंने उसने कहा था कि मुझ पर नजर रखे और सुनिश्चित करे कि सब कुछ ठीक है। मैक्स बीट हिज लिप नर्वसली, मैक्स ने घबराहट से अपने ओठ को काट लिए। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और जो नॉकिंग था वो फिर से हुआ। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स, पॉसिबल ने कहा अब तुम क्या करोगे मैक्स। If I do not answer the door, they will enter anyway. अगर मैंने उत्तर नहीं दिया तो वो लोग किसी भी तरह अंदर घुस आएंगे। The door is not unlocked, sorry. और दरवाजा को ताला लगाया नहीं है। And they will not hesitate to shoot. और वो लोग गोली मारने में जरा सा भी खिचकाएंगे नहीं। Max's face was black and anger as he blacked swiftly towards the window. Max का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। जैसे वो Max जल्दी ही खिड़की के पीछे हटा तो उसका चेहरा क्या हो गया, काला पड़ गया। He swung a leg over the sill. उसने चौखट के ऊपर उसकी टांग बाहर घुमाई। दोस्तों यहाँ पे सील मतलब डोरवे, दरवाजे पे उसने क्या किया, अपनी टांग को बाहर घुमाई। सेंड देम अवे ही वॉन्ट,
उन्हें वापस भेज दो। उसने चेतावनी दी कि भाई उनको बोलो कि वो वापस चले जाए। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी पे प्रतीक्षा करूँगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, उन्हें वापस भेज दो वरना मैं गोली मार दूंगा और मैं खतरा उठाऊंगा, मैं जोखिम उठाऊंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर एंड द वॉइस वॉज रेज, दरवाजे पे नॉकिंग ज़्यादा बढ़ गई और आवाज़ आई। मिस्टर ऑसेबल ऐसी आवाज़ आई। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, द मैन एट द विंडो ग्रेस द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man. मतलब उसने अपनी बॉडी को इस प्रकार मरोड़ा कि उसकी पिस्तौल अभी जो फैट मैन था, वो व्यक्ति जो गेस्ट था, जो गेस्ट की ओर घुमा था, वो खिड़की पर खड़े आदमी को खुद को सहारा देने के लिए अपने खाली हाथों से उसने चौखट को पकड़ा। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो डैट द गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन, मतलब उसने अपने बॉडी को इस प्रकार मरोड़ा, ट्विस्टेड किया मतलब मरोड़ा कि उसकी जो पिस्तौल है अभी भी वो मोटे आदमी था और उसके जो अतिथि की और मतलब गेस्ट की और रहे थे, जो खिड़की पर खड़े आदमी ने खुद ने सहारा देने के लिए उसको अपने खाली हाथ पर, उस खाली हाथ था वो चौखट को पकड़ा। देन ही स्वांग हिज अदर लेग अप एंड अदर द विंडो सील, तब उसने अपनी दूसरी टांग भी, बाद में उसने दूसरी टांग भी खिड़की की चौखट पे ऊपर से घुमा ली। द डोर नॉब टर्न, दरवाजे की आवाज़ थी वो ज़्यादा बढ़ गई। स्विफ्टली मैक्स पुश विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सील एंड ड्रॉप टू द बालकनी, मैक्स ने खुद ने चौखट से अलग करने के लिए बाएं हाथ से धकेला और बालकनी पर वो कूद गया। एंड देन एज ही ड्रॉप ही स्क्रीम बॉन्स सीली, और जब वो गिरा और वो बालकनी से गिरा तो फिर से एक बार उसने जोर से चीखा, फिर वो जोर से चीखने लगा। द डोर ओपन एंड द वेटर स्टूड देयर विथ अ ट्रे एंड बॉटल एंड टू ग्लासेस, दरवाज़ा खुला तो एक वेटर एक ट्रे में एक बॉटल और दो गिलास लेके वहाँ पे खड़ा था। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न ही सेड, ये लीजिए आपका ड्रिंक आपने जब वापस आने के समय ऑर्डर किया था। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल डेप्टली अनकॉक द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम, और उसने ट्रे पर बॉटल को रख दी और बिल्कुल सरलता से बॉटल का कॉक निकाला और वो कमरे के बाहर चला गया। वाइट फेस फाउलर स्टार्टेड आफ्टर हिम, डर से सफ़ेद पड़ गया चेहरे वाला फाउलर पीछे घुरा। एंड ही स्टैमर्ड द पुलिस, उसने हलकाते हुए कहा किंतु पुलिस, लेकिन पुलिस, देयर वर नो पुलिस ऑसेबल साइन, ऑसेबल ने उबासी ली और उसने बोला कि कोई पुलिस नहीं। ओनली हेनरी whom आई वॉज एक्सपेक्टिंग, खाली हेनरी जिसको मैं अपेक्षा कर रहा था, जिसको मैं वेट कर रहा था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर ने बोलना शुरू किया, लेकिन क्या वो बालकनी पर जो आदमी था वो नहीं है। नो सेड ऑसेबल ही वॉन्ट रिटर्न, ऑसेबल ने कहा कि नहीं वो अभी वापस आएगा नहीं। यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकनी, आप देख सकते हो मेरे मित्र वहाँ पे कोई बालकनी था नहीं। सो फ्रेंड हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर लेसन, सो लेट वी सी अवर क्वेश्चन आंसर। हाउ हैज मैक्स गॉट इन, मैक्स अंदर कैसे घुसा।
मैक्स अंदर कैसे आया? तो मैक्स एंटर द रूम यूजिंग अ पास की. कौन सी पास की? मतलब जो की थी, पास की, जो अंदर आने की विंडो, उसको बोले पास की, मास्टर की. वहाँ से वो अंदर आया. ही एंटर्ड ऑसेबल्स रूम इन हिज एब्सेंस. उसकी एब्सेंस में उसने अंदर घुस आया. हाउ डज ऑसेबल से टू गॉट इन. ऑसेबल ने कहा कि वह अंदर कैसे आया. तो ऑसेबल वॉन्ट्स टू कन्फ्यूज मैक्स. ऑसेबल मैक्स को कन्फ्यूज करना चाहता था. सो ही सेड दैट दिस इज द सेकंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गॉट इन टू हिज रूम थ्रू दैट बालकनी नेक्स्ट टू द विंडो. इसलिए उसने कन्फ्यूज करने के लिए बोला कि भाई लास्ट मंथ भी कोई यहाँ पे ये विंडो से, नेक्स्ट बालकनी से आया था. उसको कन्फ्यूज करने के लिए ऐसा उन्होंने उसने बोला था. वाई डिड फाउलर कम टू ऑसेबल. फाउलर ऑसेबल के पास क्यों आया था? डिड ही बिकम हैप्पी टू मीट हिम. और उसको मिलके वो खुश हो गया था. तो फाउलर वॉज द राइटर. फाउलर कौन था? एक लेखक था. ही वॉज ए यंग. वो यंग था. ही वॉन्टेड टू राइट अ बुक ऑन सीक्रेट एजेंट. वो सीक्रेट एजेंट के बारे में बुक लिखना चाहता था. सो ही वॉन्ट टू हिम. इसलिए उसके पास जाना चाहता था. ही वॉन्टेड टू इमिटेट हिज एक्सपीरियंसिस एंड वर्किंग स्टाइल. वो उसके बारे में वर्किंग स्टाइल और एक्सपीरियंस को वो उसको चाहिए था लिखने के लिए. इन फैक्ट फाउलर वॉन्टेड टू गेट द थ्रिल्स ऑफ हिज लाइफ. और फाउलर उसकी लाइफ के बारे में जो रोमांस था उसके बारे में जानना चाहता था. आफ्टर मीटिंग ऑसेबल ही वॉज डिसअपॉइंटेड एज ही वॉज नॉट लाइक अ सीक्रेट एजेंट. ऑसेबल आफ्टर मीटिंग ऑसेबल, मतलब ऑसेबल को मिलने के बाद ही वॉज डिसअपॉइंटेड. मतलब वो बिल्कुल निरस हो गया, उदास हो गया. एज ही वॉज नॉट लाइक अ सीक्रेट एजेंट, क्योंकि वो बिल्कुल सीक्रेट एजेंट जैसा लगता नहीं था. क्योंकि वो बॉडी में बहुत मोटा था, ऐसा देखने से कुछ सीक्रेट एजेंट जैसा लगता नहीं था. इसलिए वो नर्वस हो गया था. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर लेसन एंड यू हैव टू राइट क्वेश्चन आंसर इन योर CW नोटबुक. जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू.